नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, बात करूंगा यहाँ प्रिंस पाइप्स की। और देखिए, प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स में बात करना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल कल इस शेयर में कह सकते हैं कई लोगों का ये मानना है कि बहुत ज़्यादा क्या गिरावट होने वाली है, क्योंकि जो एस्ट्रल है उसके नंबर्स बहुत ज़्यादा खराब आए। तो मैं बेसिकली चर्चा करने वाला हूँ प्रिंस पाइप्स में और कैसे बजट का, मैं कहूंगा, एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी आपको प्रिंस पाइप दिखेगा। प्लस क्यों प्रिंस पाइप में अगर अगर गिरावट होती है, इवन एस्ट्रल में भी दोस्तों, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग की सोचनी चाहिए। मैं इस मैटर पर दोस्तों काफी, मेरा मन था काफी अच्छे से बात करने का। क्यों? क्योंकि देखिए, आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जहां पे ये शेयर जो है सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगा दोस्तों। और लिटरली में दोस्तों, मैं कह रहा हूं आपसे, अगर आप वाकई में एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, और इवन लॉन्ग टर्म भी नहीं दोस्तों, एक कहते हैं ना दोस्तों, मोमेंटम बायर है, कि भाई जब स्टॉक की मोमेंटम आ रही हो तो उस समय के बायर है, तो आप लिटरली में इन शेयर्स को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते बाइंग के लिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अंत तक बने रहिएगा। इसके फाइनेंशियल इतने शानदार हैं शेयर के, आपको दिखाऊंगा, फिर लेवल्स की चर्चा भी करूंगा। तो इत्मीनान से देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि यूट्यूब दूसरों को रिकमेंड करे। अब चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आप देखें, लगभग फ्लैटेस्ट है दोस्तों, क्लोजिंग दिए लास्ट बार में। और आपको मैं दिखाऊं, ये शेयर बीच में, इसमें भयंकर गिरावट हुई दोस्तों। आप देखिए, 7.36 से इसमें गिरावट हुई थी, ये देखिए लगभग 8.8% की, 7.63। बल्कि ये तो दोस्तों कम दिखा रहा है। मैं आपको दिखाऊं, इन लेवल्स के आसपास ये शेयर गया था जब इसमें गिरावट की तौर पे हुई थी, ये देखिए अगस्त के आसपास 600 के आसपास। उसके बाद से आप देखिए, ये भाग गया ऊपर, गजब की रैली 42% के आसपास की। फिर से ये ऊपर स्तर से नीचे की तरफ गैर दिखा, देखिए 21% की गिरावट हुई, ठीक है, और वापस से अभी भी 700 के आसपास चल रहा है। देखिए दोस्तों, एक चीज समझिए, जो क्रूड ऑयल है वो इतने ज्यादा भार रहे हैं, एक्सपेंसिव हो रहे हैं। और देखिए, उसके एक्सपेंसिव होना क्यों होता है, कि इनके जो रॉ मटेरियल है वो बड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, पाइपिंग का बिजनेस है, जो इनका ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, जिसके कारण इनके मार्जिन में बहुत डेंट पड़ता है। और देखिए, जिस तरह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, और इस बार दोस्तों नया रिकॉर्ड लगाया है, $92 प्रति बैरल पहुंच चुका है ये स्टॉक, ये यानी चाहिए कच्चे तेल की कीमत। यानी कि इन्फ्लेशन से कहीं भी कोई भी राहत नियर टर्म में नहीं दिख रही दोस्तों, और भारत के लिए तो ये बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा, चिंताजनक बात है। और प्रिंस पाइप के लिए दोस्तों, देखिए, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कहना चाहिए इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम से जूझ रहा है ये स्टॉक, तो इस तरह की गिरावट होना, मैं कहूंगा, बहुत ज्यादा एक डेंजर चीज है दोस्तों, खास करके प्रिंस पाइप्स और एस्ट्रल पाइप जैसे पाइपिंग स्टॉक्स के लिए, ठीक है। लेकिन देखिए, इस शेयर के पास इतने सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं गाइस, इतने सारे, मैं कहूंगा, एक आने वाले समय में इनके पास शेयर को तेजी करने की चीजें हैं, मैं साथ शेयर करता हूं। सबसे पहला दोस्तों, बजट। बजट में जिस प्रकार से जो हर घर है, जो जल या हर घर जल योजना जो आई है, आप बिलीव मानिए, आप यकीन कीजिए, ये रेवोल्यूशनरी, मैं कहूंगा, एक स्टेप है भारत सरकार द्वारा। और ये जो स्टॉक्स है ना दोस्तों, आपके लिए जो प्रिंस पाइप, एस्ट्रो पाइप, इनके लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा ट्रिगर है दोस्तों। देखिए, अगर आप पाइपिंग की बात करेंगे ना, खासकर की प्रिंस पाइप की, इनका सबसे बड़ा जो कहना चाहिए रेवेन्यू आता है दोस्तों, वो आता है कहां से, जो आप खेतों में पाइप देखते हैं ना, वहां से बहुत रेवेन्यू जनरेट करता है। प्लस फिर बाकी ये जो कहना चाहिए, ये जो घरों में लगते हैं पाइप्स लगते हैं, और ये जो सरकारी जो योजना बनाती है पानी इधर से उधर पहुंचाने का, तो इन सब से इनको होती है कहना चाहिए रेवेन्यू जनरेट होता है। अब आप मुझे बताइए, सरकार ने क्या कहा है भाई, हर जल योजना सबसे पहला और बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट इसके लिए, और ये करोड़ ऑफ करोड़ रुपीस का दोस्तों यहाँ प्रोजेक्ट हो रहा है। दूसरा क्या आता है, आप देखिए, अब आ रहा है मानसून, आने वाला है। देखिए, अभी तो आएगी गर्मी, गर्मी के बाद आएगा मानसून। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं अगर गिरावट होती है तो, क्योंकि जब देखिए, जब मानसून आने वाला रहेगा, उसके बाद से आसपास से आपको शेयर भाग भी जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर आप एक क्वार्टर का और का पेन देख सकते हैं, उसके बाद देखिएगा, तो मैं कहूंगा जो मानसून है दोस्तों, मानसून के उसके आसपास जो फार्मर्स होते हैं
वो कहना चाहिए, उस समय उनको बहुत ज्यादा खेती की जरूरत होती है। प्लस अब आ रही गर्मी दोस्तों, और गर्मी में चाहिए रहता है अपने को पानी, और नेचुरल वाटर तो आता नहीं है। तो आप यकीन मानिए, उससे पहले जो गर्मी में जो पाइपिंग के थ्रू पानी को खेतों तक पहुंचाने का काम किया जाता है बड़ी बड़ी जगहों में, उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा दोस्तों। कौन? हमारा प्रिंस पाइप। तो गर्मी में पाइपिंग को इशू लेकर के बहुत यूसेज होते हैं दोस्तों। आपने अब सुन रहे होगा तीसरा चीज, भैया रियलिटी स्टॉक्स बड़े जोरों पे चल रहे हैं। रियलिटी स्टॉक की जो हर में जगह घर बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो भाई इसके तो सबसे ज्यादा फायदा किनको हो रहा है? पाइपिंग इंडस्ट्री को होगा। क्योंकि देखिए, हमेशा एक एक्सपर्ट कहते हैं कि जब रियलिटी भागता है ना, रियलिटी कहना चाहिए, जब रियल स्टेट मजबूत हो तो उस स्टॉक्स की बजाय, स्टॉक्स को तो आप ले सकते हैं लेकिन उसमें बहुत सारा आप कह लीजिए रियलिटी स्टॉक्स ना इश्यूज बहुत होते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी बहुत, तो शेयर बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। इसकी बजाय जो बिल्डिंग बनाने में जो मटेरियल यूज होते हैं दोस्तों, उन स्टॉक्स में ज्यादा निवेश करने की सोचनी चाहिए। जैसे कि पाइपिंग हो गया, सीमेंट हो गया, ठीक है, स्टील सेक्टर हो गया, इस पे हम निवेश करें। तो पाइपिंग में दोस्तों निवेश करने का मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है। और अब तो दोस्तों गर्मी भी आ रही है, यानी कंस्ट्रक्शन एट इस फुलेस्ट चल रहा है दोस्तों। प्रॉब्लम है क्रूड ऑयल का, कब कम होगा ये कोई नहीं बता सकता दोस्तों। और लिटरली मैं एम टेलिंग यू, कोई भी नहीं बता सकता। तो मेरा मानना बस यही है आप लोगों से कि भैया गिरावट हो, बाय ऑन डिप्स, ठीक है, बाय ऑन डिप्स। और इसे प्लीज आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी में रखें। और देखिए, अगर गिरावट होती है, आप मान लीजिए कि शेयर में गिरावट हो भी रही है, तो भाई कहाँ तक गिरावट हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखें अभी ये शेयर तो 711 के आसपास का है, ठीक है, 711 मतलब ये अभी पहले रेजिस्टेंस को तोड़ के दोस्तों 711 में बंद हुआ है। लेकिन अगर गिरावट हो तो देखिए, जो सबसे पहला पिवट पॉइंट है वो है 683, 683 इसका पिवट पॉइंट है। और देखिए, मुझे ये शेयर अगर लगता है 683 को तोड़ता है, देन फर्स्ट देखिए आप 661 है, उसके बाद 637 है, और मुझे ये लेवल बड़ा प्यारा लगता है। अगर यहाँ नहीं भी जाता दोस्तों, मैं इसे यहां खरीदने की कोशिश करूंगा 650 से लेकर के 675 के बीच। क्योंकि देखिए, बॉटम आप नहीं पता लगा सकते हो, ये एक कहना चाहिए हार्श रियलिटी है। और लॉन्ग टर्म निवेशक दोस्तों, 10 से 12% गिरावट में बिल्कुल हमें घबराना नहीं चाहिए दोस्तों इतनी, क्योंकि इतना आप कोई भगवान नहीं है ना आपके सामने। कोई अगर आपको ये बोल रहा है कि भाई हम बॉटम बता सकते हैं, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने की बातें कर रहा है। क्योंकि लिटरली में इतना अच्छा मैं कहूंगा स्टॉक है, अगर गिरावट होती है और भगवान की कृपा से अगर यहां मिल गया 600 के आसपास, ये स्टॉक दबा के खरीदारी करनी दोस्तों। और लिटरली में मैं आपको भी पहले बता दूं दोस्तों कि मेरी कोई भी इसमें पर्सनल होल्डिंग नहीं है, और इसीलिए अगर आपको लगे कि शायद मैं खरीद चुका हूं इसलिए बड़ा आपको बाइंग सजेशन दे रहा हूं, तो नहीं दोस्तों, मैंने अभी इसमें खरीदारी नहीं की है। और क्रूड ऑयल को जो हम लगातार बढ़ रहे हैं, ये थोड़ा सा शेयर में प्रेशर डालेंगे, और अगर अगर गिरावट होती है, मार्केट फिसलता है, ये शेयर 600 के आसपास मिलता है, यानी 620 के आसपास मिलता है, 630 650 के आसपास मिलता है, इस रेंज में दोस्तों लॉन्ग टर्म बायर्स को तो बिल्कुल ही से आराम से एक्यूमुलेट जरूर से जरूर करना चाहिए दोस्तों। लेकिन ये सिर्फ दोस्तों मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, और स्टैगर्ड वे में खरीदारी करनी है। लॉन्ग टर्म में ये आपको मैं कहूंगा एक काफी अच्छा रिटर्न देके जाएगा दोस्तों, क्योंकि अभी इन चीजों की बहुत ज्यादा, पीवीसी पाइप्स की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेगी दोस्तों। तो यहां तक जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ उस कारण आपको निवेश नहीं करना है, आप खुद थोड़ी रिसर्च करें या अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें कोई पोजिशन बनाने से पहले दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है, यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।